भविष्योत्तर पुराणांतर्गत संपूर्ण जीवत पुत्रिका व्रत कथा। एक समय नैमिषारण्य के रहने वाले सब मुनि लोग संसार के ऊपर कृपा की इच्छा से सूत जी से पूछने लगे, हे मुनि, इस भयंकर घोर कलयुग में बालक बहुत काल तक जीने वाले कैसे होंगे? तब सूत जी बोले, द्वापर के अंत में जब कलयुग प्रवृत्त हुआ तब दुक्षिणी स्त्रियां विचार करने लगी कि माता जीती है और उनके आगे लड़के नष्ट हो जाते हैं। ऐसा विचार करके वे सब मिलकर गौतम ऋषि के पास गई। उस समय महात्मा गौतम सुखपूर्वक एकांत में बैठे थे। उनके आगे स्त्रियां नम्रता पूर्वक खड़ी होकर कहने लगी, हे मुनि, इस भयंकर समय में किस व्रत से या तप से हम लोगों के लड़के जीवित रहेंगे? ऐसा निश्चय करके हे प्रभो आप कहिए। उन स्त्रियों का ऐसा वचन सुनकर महर्षि गौतम ने कहा, हे देवियों, जैसा मैंने पहले सुना है वह आप लोग सुनो। महाभारत का युद्ध जब समाप्त हो गया तब युधिष्ठिर जी दुखी हुए। अश्वत्थामा ने इनके पुत्रों को जब मार डाला तब इस शोक से घबराई हुई द्रौपदी मरे हुए पुत्रों को देखकर अपनी सखियों के साथ महाराज धौम्य के पास गई और द्रौपदी ने कहा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, किस उपाय से पुत्र दीर्घजीवी होंगे ये आप प्रसन्नतापूर्वक निश्चय करके कहिए। तब धौम्य जी बोले, पहले सतयुग में सत्य बोलने वाले, सच्चाई रखने वाले, सबको समान दृष्टि से देखने वाले, दया से युक्त जीमूतवाहन नाम के राजा हुए। वह किसी समय अपने ससुराल में जाकर अपनी स्त्री के साथ रहने लगे। उस गांव में आधी रात के समय पुत्र शोक से घबराई हुई, पुत्र को पुनः देखने में आशा रहित एक दुखिनी करुण स्वर में रुदन करने लगी कि हाय हाय, मुझ बुढ़ी के आगे जवान पुत्र नष्ट होने जा रहा है। ऐसा उनका रोना सुनकर दया से युक्त राजा का हृदय फट गया। तब राजा वहां जाकर बोला कि इनके मरने का कारण कहो। तब वह बोली, हे राजन, रोज रोज गरुड़ मेरे लड़कों को खाता है। वृद्धा का वचन सुनकर दयालु राजा बोला, तू खड़ी रह, तेरे पुत्र की रक्षा के लिए मैं यत्न करूंगा। ऐसा कहकर राजा भय को छोड़कर खाने के स्थान पर गया। वहां पर गरुड़जी आकर राजा के शरीर के मांस को खाने लगे। बड़े तेजस्वी गरुड़ ने बाया अंग जब खा लिया तब पासा फेरकर राजा ने दाहिना अंग भी दे दिया। उसको देखकर गरुड़ जी ने पूछा कि देव योनियों में आप कौन है? हे वीर, आप मनुष्य नहीं है, अपने जन्म और कुल को कहिए। इसके बाद राजा स्वयं पीड़ा से घबराया हुआ बोला कि हे गरुड़, आप अपनी इच्छा पूर्वक भोजन कीजिए, व्यर्थ के प्रश्नों से क्या मतलब? इस वाक्य को सुनकर गरुड़ ने उसे खाना छोड़ दिया। फिर आग्रह पूर्वक राजा के जन्म और कुल को पूछने लगा। तब राजा बोला कि मेरी माता रानी शैब्या है और पिता राजा शालिवाहन है। सूर्यवंश में उत्पन्न हुआ मैं राजा जीमूतवाहन हूँ। इस दयालुता को देखकर राजा से गरुड़ जल्दी से बोला कि हे महाराज, जो आपके मन में हो सो आप वर मांगिए। तब राजा ने कहा, हे गरुड़,
अगर आप मुझे वर देना चाहते हैं, तो मैं आपसे यह मांगता हूँ कि जिनका आपने पहले आहार बनाया वे सब जीवित हो जाए और अब से आप किसी भी जीव को न खाए। यही आपसे मेरी प्रार्थना है। और जो जीव उत्पन्न होते हैं वे बहुत काल तक जिए, ऐसा उपाय करिए। इस प्रकार आनंद के सहित वर देकर पक्षियों के राजा गरुड़ स्वयं राजा की इच्छा से अमृत लेने के लिए गए और अमृत लाकर पृथ्वी पर मृत शरीर और हड्डियों पर चारों तरफ से खूब बरसाया। तब वे जो खाए गए मनुष्य थे वे सब गरुड़ की प्रसन्नता से और राजा की कृपा से जीवित हो गए। राजा का शरीर पहले से दुगना सुशोभित हुआ। राजा की दयालुता देखकर फिर गरुड़ जी बोले कि दूसरा वरदान लोकहित की इच्छा से मैं स्वयं देता हूँ। आश्विन मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी बड़ी शुभ है। सप्तमी से रहित वह आज है और तुम प्रजाओं को जिलाने वाले हो, उस कारण ये आज का दिन ज्ञानमय होगा। श्री दुर्गा जी की मूर्ति का बहुत भेद है जो तीनों लोक में पूजनीय है। हे वत्स, आज अमृत के लाने से इस अष्टमी का नाम जीव पुत्रिका हुआ और ये देवी है, दुर्गा है। इस अष्टमी तिथि में जो स्त्रियां जीव पुत्रिका का पूजन करेंगी और कुशा से तुम्हारा रूप बनाकर श्रद्धा और भक्ति से पूजन करेंगी, उनके सौभाग्य की वृद्धि और वंश की वृद्धि निरंतर होगी। हे महाराज, इसमें कोई संशय नहीं है। सप्तमी से रहित जो अष्टमी है उसमें उपवास करें। जिसमें सूर्य नारायण उदय हो वही अष्टमी है और पारण नवमी के दिन करे। सप्तमी के सहित अष्टमी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो कोई फल नहीं होता और सौभाग्य भी निश्चय नष्ट ही हो जाता है। इस प्रकार से गरुड़ जी राजा को वरदान देकर विष्णुपुर वैकुंठ को चले गए। राजा भी अपनी स्त्री के साथ अपने नगर को चला गया। महाराज धौम्य बोले, हे देवी, ये बहुत दुर्लभ व्रत मैंने कहा, जिस व्रत के प्रभाव से लड़के बहुत दिन तक जीवित रहते हैं। इसलिए हे देवी, आप विधिवत इस व्रत को करो और इसमें माता पार्वती जी शैलपुत्री जो है उनका पूजन करो, तब तुमको फल प्राप्त होगा। मुनि के इस वचन को सुनकर द्रौपदी ने बहुत प्रसन्न होकर ग्राम की सब स्त्रियों को बुलाकर इस उत्तम व्रत को किया। महर्षि गौतम बोले, इस व्रत के प्रभाव को सुनकर चिल्ही ने किसी सुंदर सखी सियारिन से कहा, उसने भी इस व्रत को स्वीकार किया। किसी पीपल की डाली की छाया में रहकर चिल्ही व्रत को करने लगी। उसी पीपल के खोढ़र में सियारिन भी व्रत करने लगी। कहीं पर उत्तम ब्राह्मण से इस कथा को सुनकर चिल्ही ने अपनी सखी सियारिन जो कि खोडर में बैठी थी उससे कहा, आधी कथा को सुनकर भूख से दुखी शरीर वाली सियारिन खोडर से निकलकर जल्दी से मुर्दों से भरे हुए मशान पर गई। वहां जाकर अपनी इच्छा पूर्वक सियारिन ने मांस को खाया और चिल्ही ने निर्जल व्रत किया। तब प्रातः काल हो गया। चिल्ही ने गौशाला में जाकर सुगंध युक्त सुंदर जल पिया और वहीं पर स्वस्थ चित्त से नवमी के दिन पारण किया।
कुछ ही दिनों के बाद दोनों ने अपने शरीर को छोड़ दिया। बाद में कौशलपुर में किसी धनी के घर संयोग से दोनों का एक ही घर में जन्म हुआ। सियारिन बड़ी बहन हुई और चिल्ही छोटी बहन हुई। संपूर्ण लक्षणों से युक्त उसको जाति का स्मरण रहा। बड़ी बहन काशीराज ने ब्याही और छोटी बहन को काशीराज के मंत्री ने गार्हपत्य अग्नि के समीप में विधि पूर्वक ब्याह किया। पूर्व जन्म के फल से मगनयनी रानी ने जो लड़के उत्पन्न किए वे सब यमराज के घर चले गए। जाति का स्मरण रखने वाली दीवान जी की स्त्री ने 8 पुत्र उत्पन्न किए। 8 वसुओं की माता की तरह उसको देखकर राजा की स्त्री राजा के आगे ईर्ष्या के साथ बोली, हे नाथ, मेरे वचन को आप पूर्ण करो और जिस रास्ते से मेरे लड़के यमराज के यहाँ गए हैं, उसी रास्ते से अगर हमारा जीवन चाहते हो तो मेरी बहन के भी लड़कों को पहुँचा दो। ये सुनकर राजा ने वैसा ही किया। इसके बाद जीवत पुत्रिका ने उनको जिला दिया। एक समय वन में उनके सिर काटकर बांस की डोरी में रखकर उसके घर भेज दिया। वे सब सिर अनेकों रत्नों से युक्त हो गए। बिना चोट फोट के सब जी गए। उन लड़कों को देखकर राजा की स्त्री बड़े आश्चर्य को प्राप्त हुई। रानी ने आकर अपनी छोटी बहन से पूछा कि तुमने कौन सा व्रत किया जिससे तुम्हारे लड़के बार बार मर के भी जी जाते हैं। तब दीवान जी की स्त्री बोली, पूर्व जन्म में मैं चिल्ही रही और तू सियारिन रही। जीवत पुत्रिका के व्रत को करती हुई तूने अच्छी तरह व्रत का पालन नहीं किया। हे बहन, उसी दोष से तेरे लड़के नहीं जीते हैं। मेरा व्रत नष्ट नहीं हुआ था, इससे मेरे लड़के जीवित रहते हैं। हे बहन, अब तुम और राजा साहेब इस व्रत को करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पुत्र जीवित रहेंगे। हे भाग्यवती, मैं सच कहती हूँ। उसके वचन को सुनकर उसने इस व्रत को किया। उस दिन से राजा जीवत पुत्र हुए और उस स्त्री के लड़के बड़े सुंदर हुए। इस पृथ्वी में वे लड़के राजा हुए और बहुत समय तक जीने वाले हुए। सूत जी ने ऋषियों से कहा, ये मैंने आपसे सुंदर व्रत संपूर्ण सौभाग्य को बढ़ाने वाला कहा है। पुत्रों के दीर्घ जीवन की इच्छा वाली स्त्रियां इस व्रत को अवश्य करें।